रजिस्ट्रेशन का काम हुआ है, एजुकेशन का कर रहे हैं। स्कूलों को भी लड़ाया जा सकता था, लेकिन एक बैग बाहर से जो पैराशूट से लॉन्च किया गया, इसका भी लोगों में रिएक्शन है। यहाँ ट्रेन का भी कई ट्रेन का ठहराव भी करवाए हैं जो पहले से बंद हो गया था। हम तो मोदी जी को वोट देंगे क्योंकि अग्रवाल जी हैं, वो हम लोग को गाँव में भी आते हैं, जैसे हर मौका में आते हैं, हम लोगों का अच्छा लगता है। अब तो देखिए, जो हम लोग का जो विकास के लिए, जो गांव के लिए जो करेगा, उसको हम लोग वोट देंगे। जो हमारे समाज के लिए जो करेगा, तो उसको हम लोग जरूर वोट देंगे। जो मोदी जी के देता हमने के भोग, वहाँ का 5,000 का पेंशन हमने के बानी। नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार में और मैं हूँ आपके साथ आत्मजा। देखिए, लोकसभा चुनाव शुरू हो चुका है और फिलहाल हम जो है महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में मौजूद है। महाराजगंज लोकसभा में एक बार विधानसभा है यहाँ पर है। आपको बता दें कि यहाँ से दो उम्मीदवार जो है एनडीए की तरफ से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को टिकट मिला है। वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन की बात करें तो कांग्रेस के जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष है अखिलेश सिंह, उनके बेटे आकाश सिंह को यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया है। और इसको लेकर के कई तरह की चर्चाएँ हैं कि आकाश सिंह को कोई पहचानता नहीं है। वहीं सिग्रीवाल की बात करें तो वो पिछले बार भी यहाँ से सांसद रहे, तो आइए यहाँ के लोगों से जानते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। क्या नए चेहरे को एक्सेप्ट करेंगे या फिर से मोदी के नाम पर वोट करेंगे या फिर सिग्रीवाल के नाम पर वोट करेंगे, क्या कुछ है लोगों के दिलों में, आइए जानने की कोशिश करते हैं। किसको वोट करेंगे? बीजेपी का। क्यों वोट करेंगे? मोदी जी के नाम पर कर रहे हैं। सिग्रीवाल के नाम पर नहीं करेंगे? सिग्रीवाल भी अच्छे हैं। कितना काम किए हैं? काम तो किए हैं, विकास हुआ है। हाँ हुआ है, स्टेशन का एजुकेशन सिस्टम तो बहुत खराब है ना यहाँ का। अरे स्टेशन का काम हुआ है, एजुकेशन का कर रहे हैं एजुकेशन का। आप यहाँ से हैं और अभी आप एनडीए में भी हैं शायद, क्या लगता है कि लोगों के मूड में क्या चल रहा है, किसको वोट करेंगे? यहाँ एनडीए के पक्ष में चल रहा है। आकाश सिंह को लेके जो लोगों का परसेप्शन है, बाहरी हैं, तो ये सही है? ये बात भी सही है, चूँकि यहाँ बहुत सारे लोग कांग्रेस में थे, उन लोगों को भी लड़ाया जा सकता था, लेकिन एक बैग बाहर से जो पैराशूट से लॉन्च किया गया, इसका भी लोगों में रिएक्शन है। लोग कह रहे हैं कि भूमिहार जो है अगल बगल के गांव में हम लोग यहाँ ऐसा जात का मामला नहीं है, क्योंकि सिग्रीवाल जी को भूमिहार भी बहुत वोट देते हैं, जबकि वो राजपूत जाति से आते हैं, तो ऐसा मेरे यहाँ कोई फीलिंग नहीं है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि जो हैं सिग्रीवाल लोगों के घर नहीं जाते हैं, लोगों से मिलते नहीं। घर जाते हैं, हाँ, उनका तो नाम है कि श्राद्ध में जाते हैं, जन्मदिन में जाते हैं, सब जगह जाते हैं लोग। यहाँ ट्रेन का भी कई ट्रेन का ठहराव भी करवाए हैं जो पहले से बंद हो गया था। है मतलब ये है, निश्चित काम किया, जीतेंगे। अच्छी क्या लगता है कितने वोट से जीतेंगे? मेरा अंदाजा 2 लाख से अबव वोट से जीतेंगे। किसको वोट करेंगे? मोदी जी को। मोदी जी के चेहरे पे करेंगे या अपने सांसद को देख? सांसद को देख कर करेंगे। आप यूथ हो, तेजस्वी यादव रोजगार की बात कर रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं, किसको लगता है किसको वोट करना चाहिए? हम तो मोदी जी को वोट देंगे क्योंकि अग्रवाल जी हैं, वो हम लोग को गाँव में भी आते हैं, जैसे हर मौका में आते हैं, हम लोगों का अच्छा लगता है, इसीलिए हम लोग उन्हीं को वोट देंगे। डेवलपमेंट क्या, एजुकेशन को लेके क्या बोलेंगे? एजुकेशन सिस्टम ठीक है हमारे यहाँ का? जो भी है मानते हैं, हम लोगों का इच्छा है कि हम लोग उन्हीं को वोट देंगे बस। बीजेपी के नाम पर करेंगे या सांसद के काम को भी देखेंगे? सांसद के नाम पर होता है हमारे गाँव में, हम तो रहते नहीं गाँव में, हम हमेशा नौकरी पर रहते हैं, ऐसे हमारी पेमेंट भी कम, 5,000 पे एनजीओ जो चलाता है खर्चा खाना बनाने में, स्कूल के बच्चों का। अच्छा, वही कर, वही बछापरा बिशनपुरा में हूँ मैं, मैं रहता भी नहीं हूँ मैं कभी। क्या माहौल है यहाँ के लोगों का, किसको वोट करेंगे? बीजेपी को वोट हम लोग देंगे। आकाश सिंह को क्यों प्रेफर नहीं करते, उनको क्यों नहीं वोट करेंगे? युवा है, मे भी आगे ले जाए, एक तरफ तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि बिहार को आगे ले जाएंगे, रोजगार देंगे। सारा ट्रेन यहाँ बंद था लॉकडाउन से पहले, ट्रेन रुकने से विकास थोड़ी हो जाता है, तो पब्लिक को सुविधा ही चाहिए, पब्लिक को रोजगार भी है, सब कुछ है। किसको वोट करेंगे? हम तो लालू यादव को वोट करेंगे। क्यों लालू यादव? फाइनली लालू यादव ललटेन क्यों करेंगे? अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते हैं तो वोट कर देंगे, विकास भी होगा, विकास होगा, हर चीज का विकास हो रहा है। लोग कहते हैं जंगल राज था, आपको लगता है कि वो आएंगे तो? कहना क्या, हर कोई का मुख है भाई, कुछ भी कह सकता है लोग। अभी कौन कैंडिडेट है आपके यहाँ? हमारे यहाँ तो ये हाथ सबसे कौन है जी,
आकाश सिंह लगता है आकाश सिंह आके यहाँ पे काम करेंगे, आप लोगों से मिलेंगे, बातचीत मिलेंगे। अब तो देखिए जो हम लोग का जो विकास के लिए जो गांव के लिए जो करेगा उसको हम लोग वोट देंगे। ना ही हम लोग पास किए हैं, ना ही हम लोग इंदिरा निवास पास किए हैं, और टाइम टाइम से नहीं पेंशन दी है। पेंशन देने के भी पर उस पर घूस लिया गया है पेंशन बनवाने के लिए। तो ये घूस कौन लेता है? वार्ड लोग जो है वो लेते हैं। बहुत लोग लिए, अब किसका नाम लेंगे? मतलब आप पर्सनली नहीं, किस लेवल पे लिया जाता है? ब्लॉक में लिया जाता है या फिर पंच? ब्लॉक में नहीं मान सकते हैं, जो ब्लॉक में जो जिसका समझ में नहीं आता है वो लोग दे देते हैं उनको कि हमारा ये काम करवा देंगे। बाकी यहाँ पर कोई काम नहीं करवाया जाता है यहाँ पे। जैसे कि सिकरवाल तो पहले थे ना यहाँ के सांसद, तो काम तो नहीं किए हैं आपको? हाँ। जैसा आप जो बता रहे हैं। हाँ, कोई काम तो क्या कुछ किए ही नहीं है? क्या किए हैं? नहीं, हमारा घर, हमारा एक कच्चा मकान का घर है, नहीं इंदिरा निवास पास किए हैं, पास करवाए हैं, घर का जो रोड एकदम कच्चा रोड है एकदम, कुछ भी नहीं किए हैं, क्या करेंगे? तो जो आकाश सिंह यहाँ से कैंडिडेट है, लगता है उनको वोट करना चाहिए? जो हमारे समाज के लिए जो करेगा तो उसको हम लोग जरूर वोट देंगे। आकाश सिंह आपके समाज के लिए करेंगे क्योंकि वो बाहरी हैं, आपको लगता है वो आके काम करेंगे? बाहरी इंसान तो कौन काम करेगा मैडम आके यहाँ पे, जो यहाँ पे रहेगा वही काम करेगा ना। तो आपके पास ऑप्शन नहीं है ना। हाँ तो आकाश सिंह है तो किसको करेंगे? हाँ तो वही तो चुनने में बहुत डिपेंड पड़ रहा है ना कि किसको हम लोग वोट दें। काम तो कर नहीं रहा है लोग वोट के लिए, तो आ जा रहे घर पे, माँ बहन सब बोल रहे हैं, पैर पड़ जा रहे हैं वोट देने के लिए। उसके बाद से तो वो अपने घर पे रह रहे हैं, एसी कूलर में बैठ रहे हैं, हम लोग तो पंखे भी घर में नहीं है। मतलब बेसिकली योजनाओं जाके मिलते हैं? नहीं, कुछ नहीं मिलता है। तो कह रहे हैं कि आके मिलते हैं। तो जिसके जिसको मिलता है उसको मिले, वो लोग इतना बोल दे रहे हैं कुछ नहीं मिलता है। हम नहीं ये काम मिलेगा, हम तो एकदम गरीबों में गरीब बनी, पेंशन 400 मिलेगा अब अपनी। 400 से घर के खर्चा चल जाएगी। बेटा वोटा का करे ला लो? बेटा का करेला, पढ़ौनी लिखौनी तो दूसर बनिहार, दूसर का बनिहारी कर लो, दूसर का कर लो। तब बनिहारी करेला तो रोजगार चाहिए ना, तो नौकरी मिले के चाहिए ना, तब वह न क्या कह रही? हाँ तानी से बनी जे मोदी जी के दे तानी से हमनी के भोग, वहाँ का 5,000 के पेंशन हमनी के बानी। दिल्ली में 5,000 मिला तबे तनु? हाँ तो वह रौरा कहे हमने रउआ न सोचे कि काहे तब रउआ मोदी जी के वोट दे तनी। हाँ रउआ न सोचे, हम तो सोचबे करें, बाकी का जे हमरा हम कहता नहीं जो मोदी जी के दे, बाकी मोदी जी हमर अथी बनाई पेंशन 5,000। तो देखिए हम एकमा विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है जहाँ की हमने लोगों से बातचीत करी, मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को ही वोट करेंगे क्योंकि मोदी का चेहरा देखकर बीजेपी को वोट करेंगे। वहीं कुछ लोग सिकरवाल की भी बातें कह रहे हैं कि वो लोगों के घर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं जिनसे बातचीत करने की कोशिश की, एक विकलांग थे, उनका साफ कहना है कि इन लोगों की स्थिति बहुत ख़राब है, इन लोगों को बहुत सारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है, लाइटिंग को लेकर क्या सुविधा है, लेकिन इनके पास कोई कैंडिडेट नहीं है। क्योंकि आकाश सिंह की बात करें तो आकाश सिंह को लोग यहाँ के जानते नहीं हैं और इन्हें भरोसा नहीं है कि आकाश सिंह जीतने के बाद फिर से इस क्षेत्र में आएंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में यही सारण की स्थिति है, क्या वाकई में यही महाराजगंज लोकसभा की स्थिति है? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और आगे के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।